देखिए क्वेश्चन क्या है कि द्विघात बहुपद पी एक्स ज्ञात करें यदि पी एक्स बराबर पी टू बराबर जीरो हो, पी माइनस फोर बाई थ्री बराबर जीरो हो एवं पी माइनस दो बराबर आठ हो। ठीक है, तो यहाँ से हम सोल्व करते हैं। हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। पी एक्स बराबर लिखते हैं के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा और बड़ा कोष्ठक लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा अल्फा इंटू बीटा यहाँ इसका शून्यक है, तो सबसे पहले हम अल्फा और बीटा फाइंड करेंगे। अच्छा अल्फा, हम इन दोनों में अल्फा किसी एक को मान सकते हैं और बीटा, तो अल्फा मान लिए इसको मानते हैं और बीटा इसको मानते हैं। ठीक है, तो चूंकि यह मान लेते हैं यदि चूंकि यदि अल्फा मान लेते हैं किसको, दो को, एवं बीटा मान लेते हैं माइनस फोर बाई थ्री को। ठीक है, तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमें आवश्यकता किसकी है, अल्फा प्लस बीटा की। तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे तो दो और प्लस करेंगे, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा फोर बाई थ्री। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम लेंगे थ्री, तो यहाँ हो जाएगा थ्री सिक्स माइनस फोर बाई थ्री, यहाँ हो जाएगा दो बटा तीन, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, दो बटा तीन। इसको कोष्ठक में बंद करके रख देते हैं। अब हम किसकी आवश्यकता है, अल्फा इंटू बीटा की, तो अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे, तो अल्फा की वैल्यू है दो और बीटा की वैल्यू है माइनस फोर बाई थ्री, तो अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये बीटा है, हो जाएगा माइनस एट बटा थ्री। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा फाइंड हो गया यहाँ से। अब क्या करेंगे, उस इक्वेशन में पुट कर देंगे अल्फा और अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन हमारे पास क्या था, पी एक्स बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये था इक्वेशन। तो इस इक्वेशन हम पुट करेंगे वैल्यू जो हम फाइंड किए हैं, वो क्या था एक्स सॉरी के, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है, टू बाई थ्री, तो यहाँ हो जाएगा टू बटा थ्री एक्स, और ये प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस एट बाई थ्री, और माइनस एट बाई थ्री और ये पूरा हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो यहाँ हो जाएगा एक्स के हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस और टू बटा थ्री एक्स और प्लस माइनस माइनस एट बटा थ्री। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम नीचे जो माइनस थ्री आया बट्टा में, उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम मतलब एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा के इंटू, पहले हम लिख लेते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस टू बटा थ्री एक्स और माइनस एट बाई थ्री। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे थ्री, थ्री थ्री का एलसीएम थ्री हो जाएगा, पी एक्स एलसीएम लेंगे यहाँ थ्री, तो हो जाएगा के एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट और पूरा का बट्टा में आ जाएगा कितना, थ्री। ठीक है, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मानते हैं। अब हमको यहाँ से फाइंड करने का फाइंड करना पड़ेगा के का वैल्यू, तो के का वैल्यू फाइंड करने के लिए पी माइनस टू बराबर एट दिया है, यानी का इसको कहने का मतलब क्या है कि पूरा इक्वेशन का वैल्यू जो है आठ होगा यदि एक्स का वैल्यू माइनस दो रखेंगे, यानी कि एक्स का वैल्यू यदि दो इसमें पुट किया जाए माइनस दो, तो ये पूरा वैल्यू आठ के बराबर आ जाएगा, यानी कि पूरा इक्वेशन को हम किसके बराबर रख देंगे, आठ के बराबर। पी एक्स का वैल्यू आठ रखेंगे तो यहाँ आठ रख देंगे, पूरा का वैल्यू आठ के बराबर करेंगे क्योंकि पी एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आठ। यदि हम एक्स के स्थान पर माइनस दो रखेंगे तो एक्स के स्थान पर माइनस दो रखते हैं, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ माइनस दो रखेंगे, तो थ्री इंटू माइनस दो का स्क्वायर और माइनस टू इंटू, यहाँ माइनस दो रखेंगे, माइनस दो और माइनस आठ। ठीक है, और बाई में पूरा थ्री है तो थ्री रहने देंगे, इसको सॉल्व करके हम के का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, दो का स्क्वायर हो जाएगा माइनस दो का स्क्वायर चार, चार चार बारह और माइनस माइनस प्लस चार और माइनस आठ बटा थ्री हो जाएगा। अच्छा थ्री को इधर ले जाएंगे, इधर गुना में है सॉरी इधर भागा में, तो इधर आ जाएगा गुना में, तो आठ को तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो चौबीस आ जाएगा, चौबीस बराबर के इंटू, अब देखो बारह चार सोलह माइनस आठ। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा चौबीस बराबर के इंटू, अच्छा सोलह में से आठ जाएगा तो बचेगा कितना, आठ, आठ लिखेंगे। अच्छा
अब यहाँ से के का वैल्यू फाइंड करने के लिए इधर आठ गुना में इधर लिख चलेंगे भागा में, तो आठ बराबर यहाँ हो जाएगा के, यानी कि के का वैल्यू कितना आ गया, के का वैल्यू तीन आ गया। अब इक्वेशन फर्स्ट में के का वैल्यू रखने पर, यानी कि समीकरण फर्स्ट में यहाँ से लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में के बराबर तीन रखने पर, ठीक है, रखने पर तो रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट क्या था, इक्वेशन फर्स्ट जो हमारे पास था वो था कि देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या था, ये था इक्वेशन फर्स्ट ये था, तो इसको लिख लेंगे यहाँ के इंटू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और एट और बटा कितना था थ्री, ठीक है। अच्छा के का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इक्वेशन निकल जाएगा, के बराबर हम किस यहाँ लिखेंगे थ्री थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट और बट्टा थ्री। अच्छा थ्री से थ्री खत्म हो गया, थ्री से थ्री खत्म हो गया, थ्री से थ्री से यहाँ ख़त्म हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास जो बचा जो आंसर बचा वो बचा एक्स बराबर वो बचा क्या थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस एट, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या किए फर्स्ट से एक बार देख लेना, इस फर्स्ट ऑफ ऑल हम द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लेंगे और यहाँ से इन दोनों में किसी को अल्फा किसी को बीटा मान लेंगे, अल्फा बीटा अल्फा इक्वेशन हमको फाइंड करना था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लें, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान जो निकला वो इक्वेशन में यहाँ पर हम पुट कर दिए, पुट करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आया उसमें एक वेरिएबल टर्म हो गया ये के, तो के को फाइंड करने के लिए हमें दिया हुआ था कि पी बराबर माइनस टू बराबर आठ, यानी कि यदि एक्स का वैल्यू एक्स जहाँ जहाँ अगर हम वहाँ दूर रखें तो पूरा जो इक्वेशन है आठ के बराबर आ जाएगा, तो हम पूरा इक्वेशन को आठ के बराबर कर दिए और एक्स का वैल्यू माइनस दूर रख दिए, उसके रखने के बाद हमारे पास के आ गया और इक्वेशन में इसको फर्स्ट माने थे फर्स्ट में पुट कर दिए, तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आ गया द्विघात बहुपद वो पी एक्स बराबर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस आठ। थैंक यू।